नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर। दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व कोच संजय बांगा ने एक बयान दिया है जिसके बाद इस खिलाड़ी की एंट्री होगी जो कि भारत में 4 साल पहले एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज था। तो चलिए बताते हैं कौन सा है वह खिलाड़ी और क्या कहा है संजय ने। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम यह सीरीज जीते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के एक बयान ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। कोहली ने कहा था कि आने वाले वक्त में टीम में सही मानसिकता वाले खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा जो रन बनाने की कोशिश करेंगे। कोहली के इस बयान को चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे सीनियर खिलाड़ियों के लिए खतरे की घंटी बताया जा रहा है जिनके प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव दिखा है। ऐसे में अटकलें और चर्चाएं जारी हैं कि क्या इंग्लैंड सीरीज में कोई बदलाव होगा या उसके बाद, और किन खिलाड़ियों को इसमें मौका दिया जाएगा। इस मामले में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर संजय बांगर ने एक ऐसे खिलाड़ी का नाम लिया है जिसे 3-4 साल से अनदेखा किया जा रहा है। 2 साल पहले भारतीय टीम के बैटिंग कोच रहे संजय बांगर का मानना है कि टेस्ट टीम में वापसी के लिए करुण नायर के पास अच्छा मौका है। बांगर के मुताबिक नायर इस टीम के मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह बनाने के लिए कतार में है। हालांकि ये कहना मुश्किल है लेकिन निकट भविष्य में संभव है या नहीं, क्योंकि फिलहाल टीम के पास हनुमा विहारी जैसे बल्लेबाज हैं जो टीम के साथ लगातार हर टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं, लेकिन नियमित तौर पर उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी जाती है। करुण नायर ने भारत के लिए 2016 में टेस्ट डेब्यू किया था। कर्नाटक के इस बल्लेबाज ने भारत दौरे पर आई इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था और अपने तीसरे ही टेस्ट में चेन्नई ने शानदार 13 शतक जमाया था। अपनी 303 रन की नाबाद पारी के साथ ही वह 13 शतक जमाने वाले दुनिया के दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने थे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या करुण नायर को टीम में जगह देनी चाहिए या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत